नमस्कार, माँ के दरबार में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ कंचन शर्मा और मेरे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिषी आचार्य पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री जी। आइए सबसे पहले कार्यक्रम में इनका स्वागत करेंगे। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। धन्यवाद जी। हाँ, आज का दिन भी बेहद ही खास है। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप माँ कुष्मांडा देवी और साथ ही साथ कल जो दिन है वो पांचवी दुर्गा यानी कि माँ स्कंद माता का दिन है, दोनों ही देवियों की कृपा से आप क्या कुछ हासिल कर सकते हैं, इनका स्वरूप कैसा है, ये तमाम जानकारियां तो देंगे ही, लेकिन इसके अलावा हम बात करेंगे महाविद्याएं, जो कि 10 महाविद्याएं हैं उनमें से आज हम बात करेंगे महाविद्या माँ छिन्नमस्तिका के बारे में। माँ की आराधना से, इनकी कृपा से आप क्या कुछ हासिल कर सकते हैं, आइए विस्तार से जानकारी लेते हैं आचार्य जी से। क्या बताएंगे आप? हमारी 10 महाविद्याएं होती हैं और 10 दिशाएं होती हैं। यदि जीवन में कुछ भी अच्छा हो रहा या बुरा हो रहा तो कहीं ना कहीं हमारे इस 10 महाविद्याओं का हमारे इस भौतिक जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव होता। आज हम बात कर रहे छिन्न मस्तिका की। यदि हमारा व्यापार नहीं चल रहा, हमारे परिवार में खुशहाली नहीं आ रही है, हम मानसिक दबाव में तनाव में रह रहे हैं, तो कुछ नहीं करना है, आज के दिन सिर्फ माँ छिन्न मस्तिका की आराधना कर लेंगे। और कहते मंत्राधीनम जगत सर्वम, मात्र माँ का सच्चे दिल से हाथ जोड़ करके आराधना कर लें तो आपके सारे जीवन के जो कष्ट भय बाधा हैं वो सदा सदा के लिए दूर हो जाते हैं। जी हाँ, तो चलिए हम आगे बढ़ाएंगे कार्यक्रम और बात करेंगे माँ की स्तुति आपको सुनवाते हैं, जिस सुनने मात्र से ही माँ की कृपा आप पर बरसती है। तो सुनते हैं आज की विशेष शक्ति स्त्रोत। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संसिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बंदूक कांचन निवम रुचिराक्ष मालां पाशांकुशै च वरदां निजबाहुदण्डै बिभ्राण बिंदु सकलां भरणान्तनेत्रा मरदाम्बिके मनीषां वपुराश्रयामि। माँ भगवती को शत शत प्रणाम करते हैं। कहते हैं कि टकह धर्मा टकह कर्मा, कलिकाल में अर्थ की प्रधानता है, इसलिए माँ से कहते के या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेणा, माँ भगवती हमारे यहाँ आओ तो आप लक्ष्मी के रूप में आकर के विराजमान हो, जिससे हमारे धन धान और घर गृहस्थी मंगलमय चले, यही हमें आशीर्वाद प्रदान करें। जी हाँ, और माँ का सानिध्य हासिल करना चाहते हैं तो खास प्रयोग हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं। आरती जुड़ी हैं कानपुर से। स्वागत है आपका शो में आरती जी। पूछिए, माफ कीजिए, भारती नाम है इनका। भारती जी बताएं अपनी डेट ऑफ बर्थ। नमस्ते कंचन जी। नमस्कार। प्रणाम पंडित जी। जय माँ भगवती। जय माँ भगवती। मुझे पूछना है अपने बेटी के लिए 7 दिसंबर 1997। जी, समय 7 सितंबर 1997। सितंबर जी। और समय? समय 10:20 रात में। और स्थान? स्थान बेगूसराय बिहार। जी, क्या सवाल है आपका भारती जी? इसके लिए पूछना ये मांगलिक है क्या, और मैरिज लाइफ कैसा रहेगा इसका, और कुंडली में कोई दोष है तो उपाय के साथ बता दीजिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर बताना चाहूँगा कि 7 सितंबर है ना इनका जी, और 97 है जी, रविवार का दिन पड़ेगा। और जो इन्होंने पूछा कि बालक मांगलिक है या नहीं, तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर ये बालक मांगलिक नहीं है। बुध सूर्य राहु एक साथ बैठे हुए जीवन में ये उच्च कोटि का मुकाम हासिल करेगा, परंतु पहले इसकी शिक्षा बहुत अच्छी थी, अब शिक्षा इसकी बदल गई और संगत भी, और कहते कि संगात सन जाए ते कामा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी टाइम है, और इसमें आपको चाहिए कि गुरु ग्रह का जाप करवा करके गुरुवार के दिन एक बड़ का पत्ता लें और उसमें सुपारी और पीले चावल कलावा बांध करके बच्चे के सिर से उतार के बहती नदी में प्रवाहित कर दें और ब्राह्मण को कुछ दान कर दें,
तो बालक बहुत शीघ्र जिस तरह की सिचुएशन है इसमें बदलाव आ जाएगा। जी हाँ। और चलिए, आज नवरात्रि का चौथा दिन यानी कि नवदुर्गा का जो चौथा स्वरूप है, माँ कुष्मांडा देवी का दिन है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि माँ का जो स्वरूप है वो कैसा है और माँ की आराधना से आपको क्या विशेष फल मिलेगा। जी हाँ, आज जो चौथा नवरात्र, प्रथमम शैलपुत्री चा द्वितीयम ब्रह्मचारिणी और तृतीयम चंद्र घंटाता कुष्मांडेति चतुर्थकम, आज चौथा नवरात्र है और माँ कुष्मांडा की आज सुबह से भक्त लोग आराधना कर रहे। उनका स्वरूप क्या है? माँ का कहते हैं कि चौथा स्वरूप है और ये ब्रह्मांड की जननी बताया गया। जब ब्रह्मांड की रचना की गई थी तो इन्होंने इस रचना में सहयोग किया, इसलिए इसको ब्रह्मांड की जननी कहते हैं। कहते माँ की मंद मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। जब माँ मुस्कुराती थी तो वैसे वैसे ब्रह्मांड की रचना हुई। माँ का जो निवास स्थान है वह सूर्य मंडल है और माँ कुष्मांडा की उपासना करने से सारे जीवन के जो रोग दुख भय बाधा है ये दूर हो जाते हैं और माँ की आराधना से आयु बल और यश यानी तीनों चीजों की वृद्धि होती है। तो आज के दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ में माँ कुष्मांडा की आराधना करनी चाहिए। और कहते जो इच्छा करी हो मन माही और हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। जो मन में इच्छा आपने कर ली माँ कुष्मांडा आपके कार्य को अवश्य संपूर्ण करेगी। जी हाँ। और आइए अब हम बात करेंगे नवदुर्गा के जो पांचवा स्वरूप है यानी कि माँ स्कंदमाता के बारे में। इनका स्वरूप कैसा है और इनकी आराधना से इनके सानिध्य में आप क्या कुछ हासिल कर सकते हैं, आइए बताते हैं। जी हाँ, कल पांचवा नवरात्र है और कल हम प्रातः काल से ही माँ भगवती स्कंद माता की आराधना करते हैं। और स्कंद माता का जो स्वरूप है वह पांचवा स्वरूप है। भगवान स्कंद बाल रूप में माँ की गोद में विराजित हैं, इसलिए माँ को स्कंद माता कहा गया है। माँ स्कंद माता की चार भुजाएं हैं और माँ स्वस्थ संतान का आशीर्वाद देती है। यदि किसी के संतान नहीं है और वो चाह रहा कि हमें माँ की कृपा हो जाए तो आप श्रद्धा और भक्ति के साथ में आप माँ स्कंद की आराधना कर लीजिए, आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। और साथ में समस्त ज्ञान को समेटे हुए, समस्त ज्ञान की जननी माँ स्कंद माता है और माँ की आराधना से भक्त ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। तो इसीलिए कहा गया, देवी भागवत में भी कहा गया है कि माँ स्कंद माता के आराधना करने से, उनका स्मरण करने से, पूजन करने से व्यक्ति को सारे शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है। जी हाँ। और महाविद्या माँ छिन्नमस्तिका जो है इनकी कृपा से जो है आपके व्यापार में आपको बढ़ोतरी हो जाएगी और नौकरी में भी लाभ ही लाभ होगा यानी कि रोजगार बढ़ेगा। क्या उपाय और क्या जो विधि विधान है माँ को प्रसन्न करने के ये हम आपको आगे बताएंगे, पर उससे पहले हम बात कर लेते हैं आज के हमारे लकी कॉलर से। कौन बने हैं लकी कॉलर, आइए जानते हैं। लगाएंगे नहीं कॉल और करते हैं बात। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका शो में। अपना नाम स्थान पहले बताएं आप। नमस्ते मैम। नमस्कार। मेरा नाम जय माँ भगवती। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ढेर सारी बधाई की इस नवरात्र के पावन पर्व में आप लकी विनर बनी है जो कि एक सपने जैसे है। बिल्कुल, हजारों की संख्या में लोग बाग होते हैं और आप लाइन पर जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। बताएं। आवाज आपकी बहुत कम आ रही है। मेरा नाम सोनल है, मैं रांची से बोल रही हूँ। जी जी सोनल जी, बताएं अपनी डेट ऑफ बर्थ। मैं अपनी सिस्टर के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, उनके जन्म की तारीख 3/5/78। जी। शाम 4:15। और स्थान रांची। जी, क्या सवाल है आपका इनके लिए? हाँ जी, उनकी शादी कब तक होगी और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और लड़का किस फील्ड से जॉब करता हुआ मिलेगा?
देखिए यहाँ पर कहेंगे कि बुधवार का दिन बन रहा है और कन्या लगन मीन राशि केतु में राहु चल रहा है, इनके ग्रहण दोष लग रहा है महाकाल से। ऑलरेडी विवाह में विलंब हो चुका है और अब विलंब यदि करेंगे तो कहीं ना कहीं हानि आप लोगों की होगी। इसके लिए चाहिए कि मंगल और बृहस्पति दोनों ग्रह की शांति कराएं और साथ में चंद्र ग्रहण और काल सर्प का, तो बहुत शीघ्र विवाह हो जाएगा और बहुत अच्छे व्यापारी वर्ग में का विवाह होगा। जी हाँ, आगे आपको मिलने वाला है आप सभी को आज का आपका अपना सीक्रेट नंबर भी आपके मूलांक के अनुसार, तो अपना कागज कलम अपने हाथ में ले लीजिए क्योंकि वक्त है ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि चाहते हैं पुत्री धन तो स्कंद माता से आप पा सकते हैं ये वरदान, लेकिन इसके लिए आपको करना है इन्हें प्रसन्न। खास जानकारी कल सुबह 8 बजे मिलेगी। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। जागो ग्राहक जागो, अपने परिवार के सेहत के लिए हमेशा ISI एवं ICC IDD सर्टिफाइड नमक ही इस्तेमाल करें। अंकुर नमक, असली नमक, द प्राइड ऑफ इंडिया। MP अजब है, सबसे गजब है, एक नहीं दो नहीं सैकड़ों यहाँ शेर हैं, पेच में था मोगली का नाम है बारह सिंह है। MP अजब है, मांडू का महल है कि जहाज है कोई तो बताए, जय विलास के झूमर संग सर हाथी लटके सोच के सर चकराए। MP ही अजब है, अरे सबसे गजब है, संगमरमर खुदता नहीं छूता आसमान है और साची देता सबको शांति का फरमान है। और विद्युत मंत्रालय एनर्जी कंजर्वेशन विषय पर स्कूली बच्चों की पेंटिंग प्रतियोगिता करवा रहा है। इसमें एंट्री प्राप्त करने की तारीख 26 अक्टूबर 2015 तक बढ़ा दी गई है। सभी स्कूलों के प्रिंसिपल से अनुरोध है कि 4th से 6th तथा 7th से 9th क्लास दोनों की दो दो बेस्ट पेंटिंग्स तथा जितने विद्यार्थियों ने भाग लिया इसकी सूचना राज्य के नोडल अधिकारी तक अवश्य पहुँचा दें। नोडल ऑफिसर्स के पते की जानकारी के लिए www.beeindia.gov.in पर लॉग ऑन करें। कैसे पता ये पानी प्योर है? कम कहाँ? प्योरिट अल्टिमा RO प्लस UV, सिर्फ इसमें है प्योरिटी इंडिकेटर जो साफ साफ दिखाता है कि पानी कितना प्योर है। देखा? साफ साफ। प्योरिट अल्टिमा RO प्लस UV विद प्योरिटी इंडिकेटर। Introducing two new fragrances from Engage Deo Sprays. Give in to the language of love. लो, ये कहाँ गया? रिकी, दादी ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश, अब सिर्फ 10 रुपए में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो कागज कलम तो आपके हाथ में आ ही चुका होगा क्योंकि आपके मूलांक के अनुसार आपका अपना वो सीक्रेट नंबर जिसे आपको पूरे 24 घंटे किसी से भी शेयर नहीं करना होता है उसे रखना है और उसके बाद कमाल देखिए भाग्य में जो है वृद्धि हो जाती है। लेकिन चलिए उससे पहले बारी आ गई है संध्या वरदान की। जी हाँ, 10 महाविद्याएं हैं, उनमें से आज हम बात कर रहे हैं माँ छिन्मस्तिका के बारे में और इनकी संध्या आराधना से क्या लाभ होगा, आइए आपको बताते हैं। जी हाँ, ये संध्या वरदान है यानी
माँ छिन्न मस्तका का वरदान है। ये अचूक उपाय हैं, इन उपायों को व्यर्थ ना गमाएं, इसको या तो रिकॉर्ड कर लें या आप नोट कर सकते हैं। एक पान के पत्त को ले लेंगे और सीधे साइड रख करके एक साइड में हल्दी, एक साइड में रोली और एक तरफ चावल रखें और माँ छिन्न मस्तका को यानी देवी को तिलक करें। उसके पश्चात फिर किसी कन्या को आपको तिलक करना है और उसको कुछ दक्षिणा और फल मिष्ठान इत्यादि उपहार स्वरूप देना है। और कहते हैं कि माँ के आशीर्वाद से आपका रोजगार यानी काम धंधा बढ़ जाएगा, साथ में नौकरी में उन्नति होगी और व्यापार में लाभ होगा और घर परिवार में जो तनाव और कलह है इससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। जी हाँ, राम नारायण जुड़े हैं हमारे साथ बेंगलुरु से। स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछें आप। जी नमस्कार पंडित जी। जय माँ भगवती जी, बताएं। जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 26/9/1956। जी समय 26 सितंबर 1956 जी। समय? समय 12:30 दोपहर। स्थान? स्थान जमशेदपुर टाटा नगर। जी क्या सवाल है आपका? हम कब तक स्टेबल होंगे जी? सर देखिए, यहाँ पर कहूँ कुंडली को देखें तो धनु लगन वृष राशि बन रहे, जीवन में बड़ा मुकाम देख करके नीचे आना पड़ा और वही कहते कि आते दिन पाछे गए, किया नहरी सो है तब पछताए, होते क्या चिड़िया चुग गई खेत। अब थोड़ा सा समय है, अभी आप चाहें तो अपने आप को स्ट्रांग कर सकते हैं। शनि ने आपको सब कुछ ऊपर से नीचे अर्श से फर्श पे ला दिया है, इसके लिए आप शनि ग्रह की शांति कराएं और चंद्र ग्रहण दोष की शांति कराएं और महामृत्युंजय का जाप, ये तीन चीजें आप कर लीजिए, आपके दिन और दिशा दोनों तब्दीली आ जाएगी। परंतु हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, ना ही आपके सुनने से। भगवान ने भी कहा कि कर्मण देव धिकारास्ते माम फलेशु कदाचना, के जो व्यक्ति कर्म करता है वही फल भोगता है। बिल्कुल। इंदौर से सोनिया जुड़ी हैं, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने जन्म की तारीख और अपना सवाल पूछें आप। मैडम नमस्ते। नमस्कार पंडित जी, प्रणाम। जय माँ भगवती। पंडित जी मेरे को मेरी बेटी के बारे में पूछना है। जी, उसका जन्म 18 अक्टूबर 2010। एक बार फिर से बताएं जन्म की तारीख। 18 अक्टूबर 2010। जी और समय? समय 12:50। दिन में रात में? दिन में 12:50। और स्थान? उज्जैन। उज्जैन। क्या सवाल है आपका इनके लिए? ये मैडम क्या इसका भविष्य कैसा रहेगा, और मतलब इसका मतलब ये बड़ी होगी तो मतलब कैसा क्या मतलब बच्चे के? देखिए धनु लगन और कुंभ राशि बन रही, राहु में शनि है, बड़े होकर के बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने वाली बच्ची है, क्योंकि कुंडली के अंदर में गज केसरी योग बन रहा है और ये जो योग होता है ये साधारण योग नहीं होता, परंतु सूर्य नीच का होकर के बैठा हो, स्वास्थ्य में इसके प्रॉब्लम रहेगी। 5 रविवार गुड़ और गेहूं का दान करें और रोली डाल करके कासे के पात्र में इनकी मदर सूर्य को अर्घ दे, ये दो छोटे उपाय करेंगे तो दिन और दिशा दोनों में तब्दीली आ जाएगी। जी हाँ, और चलिए अंक ज्योतिष के अनुसार 1 से लेकर 9 तक के जो मूलांक हैं इनमें आपका अपना सीक्रेट नंबर कौन सा है जिसे आपको किसी से भी शेयर नहीं करना है, आइए आपको बताते हैं। जी हाँ, आज एक नंबर बालों के लिए है 14। बात करेंगे दो नंबर बालों के लिए तो इनका है 31, 3 के लिए 42, 4 के लिए 16, 5 के लिए 23 और 6 के लिए 27, 7 के लिए 71 और 8 के लिए 84 और 9 के लिए 63 नंबर। इसे किसी पेपर में लिख करके अपने पॉकेट में रखें,
अगले दिन किसी पवित्र वृक्ष के नीचे रखें और प्रणाम करें तो मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। बिल्कुल। गुड़गांव से लक्ष्मी जुड़ी हैं, स्वागत है आपका भी शो में, अपनी डिटेल दें और अपना सवाल पूछें। लक्ष्मी जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। संगीता है वाराणसी से, स्वागत है आपका शो में, आप अपना सवाल पूछें। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हाँ प्रणाम आचार्य जी। जय माँ भगवती। बताएं बताएं अपना शुभ संदेश, बताएं क्या जानना चाह रही हैं। आचार्य जी मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ क्लियर नहीं है, बस मुझे मुझे ये पूछना है कि मेरा ये जॉब कब तक लगेगा, किस क्षेत्र में लगेगा। अपना प्रश्न कुंडली बताई जाएगी, अपना नाम और पूरी उम्र बता दें। उम्र मेरी ये 30 साल हो गई है। 30 साल। विवाहित है या विवाहित है जी? उनका संपर्क टूट चुका है, लेकिन सवाल प्रश्न कुंडली से मैं इनका बताना चाहूंगा कि यदि हम वर्तमान में देख रहे हैं तो इनकी मीन लगन मकर राशि बन रही है और राहु में राहु है, इनके गवर्नमेंट जॉब के शीघ्रता के चांस बन रहे हैं और विवाह है अभी शायद इनकी जिस तरह से कुंडली आ रही नहीं हुआ है, तो बहुत शीघ्र के योग बन रहे हैं, परंतु इनको गुरु और चंद्रमा दोनों ग्रह की शांति करानी चाहिए और एक गुरु मणि आती है उसको गले में धारण करें तो इनके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। जी हाँ, तो चलिए इन्हीं खास जानकारियों के साथ कल, आज और कल में आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी, आपने इतनी अच्छी जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम दर्शकों को भी। जी जय माँ भगवती। लेकिन कल दोपहर 2 बजे हम महाविद्या में माँ त्रिपुर भैरवी के बारे में बात बताएंगे और बताएंगे कि किस तरह से इनके आराधना से आपका शीघ्र विवाह हो सकता है। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हमें दीजिए इजाजत और साथ ही साथ कीजिए माँ के भी दर्शन। नमस्कार। अगर 2 साल से नहीं आएगा, चाहे 1 साल से नहीं आएगा, तब तक हाल हम लोग का कुछ नहीं होगा यहाँ पर। तो सुना आपने, मैडम दफ्तर नहीं आएंगी तो क्या काम नहीं होगा? एक बेटी कैसे अपनी माँ को हक दिलाने की बेपरवाह अफसरों से लड़ाई लड़ रही है? एक बैंक की लापरवाही का खुलेगा काला चिट्ठा। आज दोपहर 3:30 पर हेल्पलाइन हक आपका में। ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। होंडा ड्रीम सीरीज ले लो जी। आपका साधारण टैंक में लगातार प्रॉब्लम, तो प्लम्बर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता जुड़ेगा ही। ले आइए सिंटेक्स का ट्रिपल लेयर्ड वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन। सिंटेक्स, वी मेक सेंस। सच्चा दबंग हो DMR कंफर्ट का संग हो DMR डिजायर दीवाना बना। अस्पताल में गंदगी हो सकती है, कुछ छूना मत और बीमार पड़ जाओगी। अरे दीदी, अब सब बदल रहा है। इतनी साफ सफाई जी, हम सब ने मेहनत की है ताकि आपके इलाज में कोई कमी ना आए। बदल रहा है, बदल रहे हैं, स्वास्थ्य केंद्र अब स्वच्छ हो रहे हैं और ये आपके ब्लॉक में भी संभव है। बस पहल करनी पड़ेगी हमको और आपको भी। स्वच्छता का संकल्प करें, स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प। भाभी, इतने मैले कपड़े, वील ट्राई कीजिए। वील नया है और ज्यादा अच्छा है। लेकिन मेरे पाउडर से नहीं। देख तेरा व्हील क्या ऐसा ऐसा झाग देगा, इससे बेहतर मैल निकाल सकता है। इसे कहते हैं सफाई, गहरी सफाई। मैंने हमारी बाल्टियाँ बदल दी थी भाभी, अब तो अपना पाउडर बदलने का सोचिए। नए व्हील की हजारों नींबू जैसी शक्ति दे गहरी सफाई। बदल दिया। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना, देखिए
किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा क्योंकि वीडियो कॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियो कॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। एक जवान की विधवा भटक रही थी हक के लिए, नहीं सुन रहा था कोई फरियाद, और फिर लाइव इंडिया हेल्पलाइन ने दिलाया हक। प्राचीन आयुर्वेद संसार में होने वाली गंभीर से गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, पार्किंसंस, जोड़ों का दर्द, स्किन सोराइसिस आदि का सफल इलाज करता था। आयुर्वेद द्वारा मेरा प्रचार प्रसार व उपचार गुरुकुल व आश्रमों में होता था। देवभूमि हिमाचल में पाई जाने वाली जड़ी बूटियां विश्व में सर्वश्रेष्ठ हैं। 20वीं सदी के अंत में अंग्रेजों ने केमिकल से बनी अंग्रेजी दवाइयों और ऑपरेशन को बढ़ावा देने के चक्कर में आयुर्वेद का पतन किया। आजादी के बाद कुछ लालची लोगों ने आयुर्वेद हिमालय की जड़ी बूटियों के नाम पर दुकानदारी शुरू कर दी। आयुर्वेद की शिक्षा गुरुकुल की बजाय शहरों व अति पॉल्यूटेड इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में की जाने लगी, जिससे आयुर्वेद का स्तर इतना गिर गया कि आयुर्वेदिक डॉक्टर आयुर्वेद को छोड़कर एलोपैथी का प्रयोग करने लगे, जिससे 95% से ज्यादा आयुर्वेदिक डॉक्टरों को ना तो पूर्ण रूप से जड़ी बूटियों का ज्ञान है और न ही नाड़ी परीक्षण में पूर्ण रूप से सक्षम है, जो कि आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है। मैं प्राचीन आयुर्वेद कांगड़ा हर्ब्स के साथ जुड़े डॉक्टरों, साइंटिस्टों, पुरानी वैद्यों, बॉटनिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, फार्माकोलॉजिस्ट का बहुत बहुत आभारी हूँ। कांगड़ा हर्बल के द्वारा निर्मित दवाइयों का पेटेंट निर्माण हुआ है और उनका क्लिनिकल ट्रायल भी सरकार ने करवाया है, जिसका 100% रिजल्ट आया है। और अब मैं कांगड़ा हर्बल के कारण ही दबंग आयुर्वेद कहलाता हूँ, क्योंकि इन्होंने 21वीं सदी में मुझे पुनः जीवन दिया है। देवभूमि हिमाचल की सुंदर कांगड़ा घाटी में हजारों एकड़ों में ऑर्गेनिक तरीकों से जड़ी बूटियों को मंत्र विद्या, नक्षत्र विद्या और वास्तु शास्त्र का प्रयोग करके